गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंबाकार मैदान पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर आर एस है, पी क्यू के समांतर आर एस है। पी क्यू अपन ये मान लेते हैं, इसके समांतर अपन मान लेते हैं आर एस, तो ये हो जाएगा पी और क्यू, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S, R S, PQ और R और S हो जाएगा। ये आर एस पी क्यू बराबर 12 मीटर, तो ये कितना है 12 मीटर है। आर एस बराबर 22 मीटर, ये हो जाएगा 22 मीटर, 22 मीटर है। पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 मीटर है, पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी ये हो जाएगी, दूरी कितनी 14 मीटर। ये इधर हो जाएगा एक त्रिभुज और ये हो जाएगा अपना एक चतुर्भुज, तो इसमें समान क्षेत्रफलों के दो फसल की बुआई की जानी है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल, तो इसका अपन को पूरा क्षेत्रफल निकालना है और फिर अपन उसमें दो का भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो अपन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं, एक बटा दो, एक बटा दो इंटू समांतर भुजाओं का योग, इंटू समांतर भुजाओं का योग प्लस समांतर भुजाओं का योग प्लस ऊंचाई, तो एक बटा दो इंटू समांतर भुजा कितनी होगी 12 प्लस 22, 12 प्लस 22, 12 प्लस 22 इंटू, 12 प्लस 22 इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14, एक बटा दो इंटू 12 प्लस 22 हो जाएगी 34 इंटू 14, तो ये 2 से चला जाएगा 7 बार, 34 इंटू 7 238 मीटर स्क्वायर। तो इसका अपन को ये हो गया पूरा, तो इसका आधा चाहिए अपन, तो 238 बटा 2 119 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150 प्रतिशत है, मोहन की आयु रोहन की आयु का कितना है 150 प्रतिशत, तो ये हो गया रोहन और ये हो गया मोहन। मोहन की आयु रोहन की आयु का 150 प्रतिशत है, अगर रोहन की 100 है तो मोहन की हो जाएगी 150। सोहन की आयु रोहन की आयु का 250 प्रतिशत है, सोहन की आयु रोहन की आयु का कितना है 250 प्रतिशत, तो रोहन की 100 है तो सोहन की हो जाएगी 250, तो ये 50 से चला जाएगा दो बार, ये 50 से तीन बार, 2:3:5, उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो 60 अनुपातों का योग कितना आ गया 5 और 3 8 और 2 10, तो 1:1 बराबर आ गया 6 वर्ष, तो रोहन की आयु का अनुपात कितना है 2:6 वर्ष बराबर हो जाएगा 12 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 5 सेमी लंबाई 10 सेमी चौड़ाई और 15 सेमी ऊंचाई वाले बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये हो गया घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई 5 × 10 = 50 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 10 × 15 = 150 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 15 × 5 = 75, तो हो जाएगा 2 × 50 और 150 200 और 275, 275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन,
275 के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, 5% छूट पर बेचा जाता है, फिर भी 4.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसके लिए कितना भुगतान किया गया था? 250, 275, तो 275 कितने प्रतिशत छूट पे बेचा गया? 5%, तो 275 बटा 100 × 95, ये तो हो गया 5% छूट पर बेचा गया। फिर भी कितने का लाभ हो रहा है? फिर भी लाभ हो रहा है 4.5% का, मतलब × 104.5, ये 100 नहीं आएगा इधर, ये हो जाएगा 275 बटा 104.5 × 95, पॉइंट जाएगा ऊपर लग जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 से, तो ये चला जाएगा 5 से, 5 × 10 और 5 × 9 45, 5 × 9 45 209, फिर ये चला जाएगा, इन सबको काटने पर आएगा 250। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यदि 9375 की राशि कितनी है? 9375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर निवेश की जाती है, तो एक वर्ष बाद प्राप्त होने वाला, तो दर हो जाएगी 8% है, तो आधी हो जाएगी 4%, और समय हो जाएगा एक वर्ष मतलब 2 साल, तो 9375 × 8%, तो ये हो जाएगा 8.16%, 8.16 बटा नीचे हो जाएगा 100, पॉइंट जाएगा नीचे आ जाएगा 1000, ये चला जाएगा 25 से, 25 × 100 400, ये 25 × 75 हो गया 75 75, और ये हो जाएगा 187, ये चला जाएगा 7 से, 75 12 5, ये 5 से, फिर चला जाएगा 25 से, 25 × 25 फिर 15, फिर ये 25 से जाएगा 25 × 25 और 25 से गए 116 से, ये चला जाएगा 16 × 16 15 80, 16 × 16 51 × 15 51 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 5 को 5 से 25 इंटू 51 का 51, 5 × 6 × 5 = 7, 765 रुपया ब्याज हो गया, 765 रुपया ब्याज हो गया, तो राशि कितनी थी? मूलधन 9375 प्लस 765, 5 × 10 का 0, हासिल की 1, 7 × 1 = 8, 8 × 6 = 14 का 4, हासिल की 1, 7 × 3 = 10 × 11 का 1, हासिल की 1, 10140 मूलधन। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, अक्ष हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पे, 16% किस पे? यात्रा पे, 40% किस पे? किराने पे, और 14% किस पे? चिकित्सा पे, कितना खर्च हो गया? 6 × 4 = 10 का 0, हासिल की 1, 1 × 2 = 4 6 × 6 = 7, 70% खर्च हो गया, बचा कितना? 9630, प्रतिशत में कितना बचा? 30 इंटू उसकी वार उसकी औसत आय कितनी होगी? औसत आय 100, तो ये होगी 0 से 0, 3 से 3 × 9, 3 × 2 = 6 = 1, 32100 इंटू 12
महीने का, तो 12 महीने का हो जाएगा 385,200। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, यदि 27 और एन का लघुतम समापवर्तक 54 है, 27 और एन का लघुतम समापवर्तक 54 और महत्तम समापवर्तक 9, तो एन का मान, तो एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो 27 पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या अपन को दे दिया एन, एल सी एम कितना दे दिया 54 और एच सी एफ कितना है 9, तो 27 से 54 चला जाएगा दो बार, तो एन बराबर हो जाएगा 18। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, यदि 5 इंटू 7 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस मझला कोष्टक 35 माइनस छोटा कोष्टक 20 इंटू अक्ष, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बराबर 45, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें आ जाएगा 35, 7 इंटू 5 35 माइनस 35 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस 23 माइनस मझला कोष्टक 35 माइनस 35 माइनस 20 प्लस अक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अक्स, और ये हो जाएगा मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बराबर 45। फिर आगे हो जाएगा 35 माइनस बड़ा कोष्टक 23 माइनस 35 में से 20 चला जाएगा तो 15 प्लस 15, फिर ये माइनस का हो जाएगा अक्ष 12 आएगा, तो ये बड़ा कोष्टक और 45। फिर हो जाएगा 35 माइनस 35, 23 में से 15 चला गया तो 8, 35 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा अक्ष बराबर 42। अक्ष बराबर हो जाएगा 42 माइनस 27, अक्ष बराबर 15। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन, तार प्लस तार की घात एन प्लस 5 बराबर 260, तो 5 की घात एन प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो तार की घात एन प्लस 4, तो ये 4 है, तो तार की घात एन प्लस 5 बराबर 260, 260 माइनस तार हो जाएगा, इधर तार साइड आ जाएगा, तो अब तार की घात एन प्लस 5 बराबर 260 में से 4 चला जाएगा तो 256, ये हो जाएगा तार की घात एन प्लस 5 बराबर तार की घात कितनी 4, बेस समान है तो घात बराबर होगी एन प्लस 5 बराबर 4, तो एन बराबर हो जाएगा 1, एन बराबर माइनस का 1, एन बराबर माइनस का 1। अब इधर आ जाएगा 5 की घात एन का माइनस का 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2, 5 की घात 2 होता है 25। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, यदि किसी विशेष डेटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक 12 और 15 है, तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए, तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक कितना दे रखा है अपन को 15, बराबर माध्यिका कितना दे रखा है 12, तो 3 इंटू 12 माइनस 2 अक्ष, तो हो जाएगा 2 अक्ष बराबर 36, तो 15 माइनस 36, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, तो इसका मान हो जाएगा 2, ये जुड़ जाएगा इधर आएगा, तो
ये इधर आ जाएगा तो माइनस की जगह प्लस, ये हो जाएगा 36 और 15, 6 और जुड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 15 15 हो जाएगा इसका मान 12, 3 × 12 माइनस 2 अक्ष, तो माइनस का 2 अक्ष बराबर 15 − 36, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 15, इसमें 36 में से 15 चला गया, तो 36 में से 15 चला गया तो 21 माइनस हट जाएगा, तो माइनस माइनस था तो माइनस हट जाएगा 21/2, तो इसका आ जाएगा 10.5। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा तो √230, तो √230 लगभग 229 के बराबर है, तो आ जाएगा इसका 229, इसका आ जाएगा 529, 529 होता है 23 का, प्लस 23 प्लस 85, 23 प्लस 84 है, 84, 23 + 84 भाग 24, 23 + 84 भाग 24 × 4 − √255, लगभग √256 के बराबर हो, √256 होता है 16, ये होता है भाग और 3, 23 + 84/24 × 4 − 16 भाग 3, तो हो जाएगा 4 × 6 = 12, 6 × 6 = 6, 6 × 6 = 24, तो 23 + 14 − 16 भाग 3, तो हो जाएगा 23 + 14, तो 23 माइनस मतलब 21/3, 21/3 7। आगे देखें स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है, यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20, यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो ए डी की लंबाई, तो समांतर चतुर्भुज ऐसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ऐसा हो जाएगा एक प्रकार से AD, AB, AB, C और D, तो AD और AC के मध्य बिंदु, AD और AC, AC के मध्य बिंदु ये वाली, इसकी कितनी है 2 है, तो AD की लंबाई करना है, तो CD और इसकी मध्य बिंदु है, तो इसका CD हो जाएगी CD बराबर 4, तो ये और ये दोनों की 4 हो जाएगी, तो 20 − 8 = कितना हो गया 12 हो गई AD और BC की, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो इसकी हो जाएगी 6। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।